हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू एंड मी। कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ कि मैं काफ़ी देर के बाद अपना ये लेक्चर अपलोड कर रही हूँ। कुछ दिनों से मैं बीमार थी तो इसलिए लेक्चर अपलोड नहीं हो पाया, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। तो पिछले लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था वो हमने डिस्कस किया था कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है और उसके कंटेंट क्या है। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है वो किस तरह का रिलेशनशिप डेवलप करता है बिटवीन द कंपनी एंड द मेंबर्स एंड द आउटसाइडर्स। कंपनी का आउटसाइडर्स के साथ कैसा रिलेशनशिप रहता है, आउटसाइडर्स का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की वजह से कंपनी के ऊपर किस तरह से कोई राइट रहता है। इसी तरह से मेमोरेंडम और एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है वो कंपनी को किस तरह से अपने मेंबर्स के साथ बांधते हैं और किस तरह से मेंबर्स जो हैं वो अपनी कंपनी के लिए लायबल हैं। तो दिस इज द रीसेंट टॉपिक ऑफ टूडेज लेक्चर। So, as per Section 10 of the Companies Act 2013, where the memorandum and Article 1 registered binds the company and the member to the some extent as if they respectively had been signed by the company by each member to observe all the provisions of the memorandum and article. तो इस Section 10 क्या कहता है कि अगर कोई भी जो मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल है और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है उसको अगर सारे मेंबर्स जो हैं वो साइन करते हैं, देन दे हैव अ डेवलप अ रिलेशनशिप बिटवीन ईच अदर। द ऑब्जेक्ट बिहाइंड दिस सेक्शन इज टू इम्पार्ट कॉन्ट्रैक्चुअल फोर्सेस टू द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। All monies people payable by any member to the company under the memorandum or article shall be a debt due from his company. तो अगर किसी भी मेंबर ने कोई कंपनी को पैसे देने हैं, किसी भी तरह का कुछ भी देना है, तो और वो मेमोरेंडम और आर्टिकल में मेंशन्ड है तो वो क्या बन जाएगा, कंपनी के अगेंस्ट उसके वो क्या होगा, देनदार होगा। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस नंबर ऑफ लीगल रिलेशनशिप आर डिवेल्प्ड। तो उन दोनों के बीच में किस तरह का रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है, उन दोनों के बीच में यानी उस मेंबर के बीच में और कंपनी के बीच में एक रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला रिलेशनशिप है बिटवीन द मेंबर एंड द कंपनी। सो जब भी हम मेमोरेंडम और आर्टिकल को लिखते हैं और उसको रजिस्टर्ड करवाते हैं, सो देयर एग्जिस्ट वन काइंड ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द मेंबर एंड द कंपनी। द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूट अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द मेंबर एंड द कंपनी। इन कॉन्सिक्वेंसेस द मेंबर्स आर बाउंड टू द कंपनी अंडर अ स्टैच्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। यानी वो अपने आप ही जिस टाइम वो उसको साइन करते हैं वो अपने आप ही कंपनी के साथ क्या हो जाते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाते हैं। तो इसके लिए एक फेमस केस भी है। इसमें क्या था कि उन्होंने लिखा था कि अगर कंपनी का कोई भी मेंबर जो है वो बैंकरप्ट हो जाता है, किसी भी सिचुएशन में अगर वो बैंकरप्ट हो जाता है तो अगर उसके पास कंपनी के शेयर्स हैं तो वो शेयर्स जो हैं वो किसी भी कंपनी के मेंबर को या किसी भी व्यक्ति को सेल कर सकता है, बट उस प्राइस पर जो बाकी के मेंबर्स जो हैं वो फिक्स करेंगे। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि वो जो शेयर्स हैं दैट शेयर्स कैन बी सेल ऑन अ प्राइस फिक्स्ड बाय द अदर मेंबर ऑफ द कंपनी। डायरेक्टर भी फिक्स कर सकते हैं, वो उनकी आपसी सहमति होगी, उसके बाद वो शेयर्स जो हैं वो किसी को भी सेल किए जा सकते हैं। तो उस कंपनी में क्या होता है, बी जो है वो बैंकरप्ट हो जाता है। तो जैसे ही वो बैंकरप्ट होता है तो उसके पास काफ़ी सारे शेयर्स होते हैं, तो उसके ट्रस्टी कहते हैं दैट वी आर नॉट लायबल टू सेल द कंपनी shares to the company's member at on the price which is fixed by the directors। क्योंकि हम फ्री हैं, हमारे शेयर्स हमारी मर्जी, हम कैसे भी उसको सेल करें, ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कहीं भी हमने साइन नहीं किया। लेकिन कोर्ट जो है, केस जो है वो कोर्ट में चला जाता है और वहाँ पर ये फैसला होता है क्योंकि उसने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है उसके ऊपर साइन किए होते हैं, इसलिए उसमें कंडीशन लिखी होती है, पहले से ही लिखी होती है that in case of bankruptcy the share should be sold to other person पर्सन एट अ प्राइस फिक्स्ड बाय अ डायरेक्टर। सो ये प्रोविजन जो है ये उसके ऊपर लागू होगी। तो फैसला जो है वो कंपनी के हक में आता है और बी के जो ट्रस्टी होते हैं वो इन शेयर्स को उसी प्राइस पर बेचने के लिए मजबूर होते हैं जो प्राइस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में या फिर उन्होंने जो फिक्स करी होती है। सो इस तरह से अगर कहने का मतलब क्या हुआ, इस केस का भाव क्या है? इस केस का भाव यही है कि जैसे ही कोई व्यक्ति आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को साइन करता है तो इसका मतलब है उसके अंदर जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई हैं वो उसको मानने के लिए देनदार होता है। इन दिस केस article gives the company a lien upon each share for debt due by the shareholder to the company। तो इसमें एक और केस भी है ब्रैडफोर्ड बैंकिंग कंपनी वर्सेस ब्रिक्स का। तो इसमें क्या होता है, वो कहते हैं कि कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने जितने भी शेयर्स ले रखे हैं और उसके ऊपर जितनी भी उनकी अमाउंट ड्यू है उसके लिए वो कंपनी के क्या होंगे, देनदार होंगे। यानी वो अपने शेयर किसी को मॉर्गेज नहीं कर सकते जब तक कि उन्होंने कंपनी के पैसे देने हैं। तो एक शेयर होल्डर क्या करता है, वो किसी बैंक से लोन ले लेता है और अपने जो शेयर्स हैं उनको वहां पर गिरवी रख देता है। बैंक कहता है कि ठीक है, हम आपको लोन देने के लिए तैयार हैं लेकिन आपके जो शेयर्स हैं वो हमें आप डिपॉजिट करवा दीजिए। तो बैंक क्या करता है, उसका नोटिस जो है वो कंपनी को भेज देता है कि आपके ये शेयर्स जो हैं वो हमारे पास मॉर्गेज है तो उनको आप यहाँ पर भिजवा दीजिए। तो कंपनी जो है वो एक मैसेज भिजवाती है बैंक को कि हमारे जितने भी शेयर होल्डर्स हैं जब तक उनका कोई अमाउंट जो है वो कंपनी में ड्यू है तो उनके शेयर्स हमारे पास ऑलरेडी मॉर्गेजेज है। तो इसलिए क्या है कि उन शेयर्स के ऊपर पहले हमारा हक है, बैंक का हक उनके ऊपर नहीं हो सकता। सो इसमें भी क्या है कि वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में पहले से ही लिखा हुआ है कि कंपनी का सबसे पहला राइट है कंपनी के शेयर होल्डर्स के शेयर के ऊपर, तो वो किसी भी तरह से अपने शेयर्स को कहीं भी मॉर्गेज नहीं कर सकते। सो दिस इज द अनदर केस वेयर इफ अ पर्सन साइन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन he is bound by all the terms and condition mentioned in the article of association. So this is the first, that is between the member and the company. Next is how the company is attached to the member. So between the company and the member, the memorandum and article develop a contract between the member and the company. However, opinion varies on the question as to whether and how far the member and article binds the company to the members. अब वो कहता है कि जिस तरह से members जो हैं वो company के साथ बंध जाते हैं अगर वो article of association को sign करते हैं तो क्या company भी उनके साथ इसी तरह से बंध जाती है? वो कहती है हाँ, law जो है वो कहता है हाँ company भी अपने members के साथ बंध जाती है। बट क्वेश्चन क्या है कि कब तक और कहां तक, मतलब कि किस एक्सटेंट तक कंपनी जो है वो अपने मेंबर्स के साथ बंध जाती है। वन ऑफ द ओपिनियन इज दैट इट बाइंड इन द सेम वे एज इट मेंबर्स एंड अनदर ओपिनियन इज दैट कंपनी इज नॉट होली बाउंड। तो एक ओपिनियन कहता है कि कंपनी जो है वो पूरी तरह से, जिस तरह से मेंबर्स हर एक पॉइंट के लिए उसके साथ बंध जाते हैं इसी तरह से मेंबर्स जो कंपनी है वो भी अपने मेंबर्स के साथ उसी तरह से बंध जाती है। लेकिन दूसरा ओपिनियन कहता है कि वो पूरी तरह से बंधित नहीं होती है। इट इज बाउंड टू द एक्सटेंट दैट एनी मेंबर कैन स्यू इट एज टू प्रिवेंट एनी ब्रीच ऑफ आर्टिकल विच इज लाइकली टू अफेक्ट द राइट्स ऑफ अ मेंबर ऑफ द कंपनी। तो वो कहता है कि जहां पर कंपनी का एक मेंबर जो है अगर उसके राइट के ऊपर किसी तरह का कोई भी इफेक्ट आता है तो फिर कंपनी जो है वो बाधित है, वो पर्सन जो है वो कंपनी के अगेंस्ट केस दायर कर सकता है लेकिन सिर्फ उसी एक्सटेंट तक जब तक कि उसका पर्सनल जो है राइट जो है वो दबाया जा रहा हो, बाकी किसी भी केस में वो उसके साथ बाधित नहीं है। सो एन इंडिविजुअल मेंबर हैज अ पावर टू फाइल अ सूट अगेंस्ट द कंपनी टू इन्फोर्स हिज इंडिविजुअल राइट एंड फॉर एग्जाम्पल राइट टू गेट बैक हिज शेयर रॉन्गफुली forfeited, राइट टू कंटेस्ट इन the election for directorship of a company, right to receive a share certificate। तो जहां पर उसका right effect हो रहा है, उस particular member का right effect हो रहा है, वो कंपनी को बाध्य कर सकता है अपना वो राइट लेने के लिए। जैसे कि किसी को अगर किसी के शेयर्स जो हैं वो जानबूझकर जब्त कर लिए गए हैं या फिर किसी को कोई शेयर सर्टिफिकेट नहीं मिला तो वो ले सकता है। द राइट ग्रांटेड टू अ मेंबर मस्ट बी इन कैपेसिटी एज अ मेंबर। तो यहाँ पर वो सीधे साधे क्या कह रहे हैं, बहुत ही क्लियर शब्दों में बताया गया है कि वो ये राइट कंपनी जो है वो अपने मेंबर्स के लिए बाधित है। सिर्फ जब कोई भी व्यक्ति केस फाइल कर रहा है तो वो किस पोजीशन में फाइल कर रहा है, एज अ शेयर होल्डर, लेकिन वो एज ए सॉलिसिटर, एज ए प्रमोटर कंपनी के खिलाफ केस दायर नहीं कर सकता। यानी एक व्यक्ति जो कंपनी का मेंबर है, जो कंपनी का शेयर होल्डर है, वो कंपनी के अगेंस्ट केस दायर कर सकता है अपने राइट के लिए, लेकिन वो प्रमोटर की पोजीशन के ऊपर, वो सॉलिसिटर की पोजीशन के ऊपर कंपनी के ऊपर केस दायर नहीं कर सकता। सो दिस इज द एक्सटेंट वी कैन से The company is bound to its member. Now, between the member inter se. तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं? That there is no express agreement is developed between the member and the article. तो वैसे तो यहाँ पर कोई भी मतलब कि रिटन एग्रीमेंट नहीं है कि कंपनी जो है वो अपने मेंबर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है और मेंबर्स जो हैं वो अपनी कंपनी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन जब उन्होंने एक बार साइन कर दिया तो ये इसका मतलब है कि वो अपने आप को एक दूसरे के प्रति क्या कर रहे हैं, बाध्य कर रहे हैं। द आर्टिकल रेगुलेट्स द राइट ऑफ द मेंबर इंटर से, बट सच राइट कैन बी इन्फोर्स्ड ओनली थ्रू द कंपनी और थ्रू द लिक्विडेटर रिप्रेजेंटिंग द कंपनी। तो वो राइट जो है, मैंने ऊपर भी आपको समझाया कि वो राइट जो है वो एज अ शेयर होल्डर की कैपेसिटी में ही वो कर सकते हैं, उसके अलावा वो किसी और कैपेसिटी में नहीं कर सकते। द आर्टिकल कैन नॉट रेगुलेट द राइट्स अराइजिंग आउट ऑफ कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट इन विच अदर शेयर होल्डर हैव नो इंटरेस्ट, देयरफॉर द आर्बिट्रेशन क्लॉज इन आर्टिकल ऑफ कंपनी कुड नॉट बी इवॉक्ड वेयर अ मेंबर ऑफ द कंपनी हैड अ कमर्शियल डिस्प्यूट ऑफ सम प्राइवेट नेचर विद अनदर मेंबर ऑफ द कंपनी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अगर उन दो मेंबर्स के बीच में किसी तरह का अपना कोई पर्सनल झगड़ा है तो उसके लिए वो आपस में कहीं भी मेमोरेंडम और आर्टिकल के राइट्स को यूज नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो दोनों जो हैं, उन दोनों का कंपनी के लिए किसी तरह का कोई मतलब के मुद्दा है या फिर कंपनी उनके किसी राइट को दबा रही है तो फिर वो आर्टिकल और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का सहारा ले सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपनी एंड द मेंबर। नेक्स्ट इज बिटवीन द कंपनी एंड द आउटसाइडर्स। नाउ द मेमोरेंडम एंड द आर्टिकल डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कंपनी एंड द आउटसाइडर। तो यहाँ पर बहुत क्लियर कट लॉ कहता है कि कंपनी का आउटसाइडर्स के साथ किसी भी तरह का कोई भी रिलेशनशिप डेवलप नहीं होता है जो कि मेमोरेंडम और आर्टिकल को पढ़ता है। Neither the company nor the members are bound by the article to the outsider, since these constitute a contract between the member inter se and outsider is not a particle of the article, even though he may be named therein. तो जो भी बाहर का व्यक्ति है वो किसी भी तरह से कंपनी उसके लिए बाध्य नहीं है या कंपनी का कोई भी मेंबर उसके लिए बाध्य नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपनी एंड द मेंबर विच इज डेवलप्ड बाय व्हेन दे साइन द आर्टिकल एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड बेसिकली यू गेट द क्वेश्चन इन योर paper. So every person who enters into a contract with the company will be presumed to know the content of the memo of article of association and the memorandum of association. This is known as doctrine of contractive notice. तो वो क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो कंपनी के साथ किसी भी तरह के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए राजी है, ये प्रिज्यूम कर लिया जाता है कि उस व्यक्ति ने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के सभी कॉन्ट्रैक्ट्स जो कंटेंट हैं वो पढ़े होंगे। The memorandum and article of association of every company are registered with the registrar of the company. हम ये भली प्रकार से जानते हैं कि memorandum और article of association जो है वो registrar के साथ registered होते हैं, इसीलिए जो registrar का office होता है वो क्या होता है, पब्लिक ऑफिस होता है। तो ये दोनों जो आर्टिकल्स हैं वो क्या बन जाते हैं, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं। एवरी पर्सन कैन पे द फी एंड दे कैन रीड द document. Hence, the memo and the articles become public document. It is therefore the duty of the person dealing with the company to inspect its public document and make sure that the contract is in conformity with the provisions or not. तो अगर कोई व्यक्ति उसको नहीं पढ़ता है तो वो उसकी गलती है, लेकिन जो भी व्यक्ति कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है तो हम ये प्रिज्यूम करके चलते हैं कि उस व्यक्ति ने ये दोनों आर्टिकल्स पढ़े होंगे। Now, as observed by Lord Hathaway, whether a person actually read them or not, he is to be in the same position as if he had read them. तो लॉर्ड क्या कहते हैं, लॉर्ड हेथवे कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति, मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति इसको पढ़ता है, बट हम ये प्रज्यूम करके चलते हैं कि वो उसने जब भी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है तो उसने उसको पढ़ा होगा. एवरी पर्सन विल बी प्रज्यूम्ड टू नो द कंटेंट ऑफ द document. The practical effect of this rule can be observed in Kotla Venkatesh Swamy versus Ramamurthy. The article of a company provides that a deed should be signed by the managing director, the secretary, and a working director on behalf of a company. तो वो क्या कहते हैं कि कोई भी अगर आपने कोई शेयर्स मॉर्गेज करने हैं या फिर आपने कोई लोन लेना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, आप वो तीन व्यक्तियों के साइन होने चाहिए, मैनेजिंग डायरेक्टर के, सेक्रेटरी के एंड द वर्किंग डायरेक्टर. The plaintiff accepted a deed of mortgage executed by the secretary and the working director. अब उन्होंने क्या किया, एक लोन ले लिया और उसके लिए जो है उन्होंने कुछ अपने डिबेंचर्स जो है वो इशू कर दिए, जिसके ऊपर उन्होंने बोला कि साइन जो है किसके किसके थे, सिर्फ सेक्रेटरी के और वर्किंग डायरेक्टर्स के थे. अब बाद में कंपनी जो है वो पैसे देने से मना कर देती है, लोन चुकाने से मना कर देती है. क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला था कि कितने व्यक्तियों के साइन होने चाहिए, तीन व्यक्तियों के साइन होने चाहिए, लेकिन वहां पर कितने व्यक्तियों के साइन थे, दो व्यक्तियों के. तो प्लेंटिफ कहता है कि आई प्रिज्यूम्ड कि मैनेजिंग डायरेक्टर ने उसके ऊपर साइन, तो वहां पर तीन के लिखे थे, तो मैंने सोचा कि डायरेक्टर और सेक्रेटरी के साइन जो है वो बहुत होंगे. तो उन्होंने बोला नहीं, आपको पूरी तरह से अच्छी तरह से आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है वो पढ़ना चाहिए था, हमने ये प्रिज्यूम्ड करके ही आपको लोन दिया था. सो यू आर नॉट एबल टू फाइल अ केस अगेंस्ट द कंपनी. तो वो कहते हैं कि मैंने तो ये गुड फेथ में किया था. द कंपनी से द लॉर्ड सेड, द कोर्ट सेड, नो यू वी आर प्रिज्यूमिंग दैट इट इज अ कंस्ट्रक्टिव नोटिस एंड एंडिवर एवरीबडी हु इज एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी, वी प्रिज्यूम्ड इट, वी एज्यूम्ड इट दैट इट इज ऑलरेडी रेड बाय द पर्सन. सो जो केस है वो क्या हो जाता है, इनवैलिड हो जाता है. अनदर इफेक्ट ऑफ दिस रूल इज दैट पर्सन डीलिंग विद द कंपनी इज टेकन नॉट ओनली टू हैव रीड द डॉक्यूमेंट बट ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड दम अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर मीनिंग. अब इसका मतलब क्या है कि हम सिर्फ ये नहीं चाहते कि वो व्यक्ति जो है जो कंपनी के साथ डील कर रहा है वो उस डॉक्यूमेंट को पढ़ तो कोई भी लेता है, लेकिन उसको हमने प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग यानी जो उसका मीनिंग लिख रहा है, जो हम कहना चाह रहे हैं वो उसी भाव में उसको भी समझे. इसका ये मतलब नहीं है कि उसने पढ़ा और उसने प्रिज्यूम कर लिया, इसका कुछ और मतलब है. तो हम उसको समझाना भी उसी भाषा में है. फर्दर देयर इज अ कंस्ट्रक्टिव नोटिस नॉट मेयरली द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल बट ऑल्सो so all of the documents such as a special resolution and particular of charge which are required by the act to be registered with the registrar. तो वो कहते हैं कि सिर्फ memorandum of association और article of association ही नहीं बल्कि जितने भी special resolution हैं जो कंपनी को लगता है कि एक व्यक्ति को कंपनी को रजिस्टर्ड करवाने चाहिए विद द रजिस्ट्रार, तो वो सभी डॉक्यूमेंट भी उनको क्या करने चाहिए, पढ़ने चाहिए. बट देयर इज नो नोटिस ऑफ डॉक्यूमेंट विच आर फाइल्ड ओनली फॉर द सेक ऑफ रिकॉर्ड सच एज रिटर्न एंड द अकाउंट्स. बट हम ये नहीं कह रहे, लेकिन जो जरूरी है जो स्पेशल रेजोल्यूशंस हैं वो उनको पढ़ने चाहिए. नाउ स्टैट्यूटरी रिफॉर्म ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस. द डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस मोर और लेस एन अनरियल डॉक्ट्रिन. अब अगर हम इसको प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसका क्या मतलब है, जब भी आप किसी कंपनी का कंपनी के साथ डील करने जाते हो तो कोई भी इंसान इन डॉक्यूमेंट्स को नहीं पढ़ता, डिटेल में तो कोई भी नहीं पढ़ता. इट डज नॉट टेक नोटिस ऑफ द रियलिटीज ऑफ बिजनेस ऑफ लाइफ. ये एक्चुअली में फैक्ट है. पीपल नो अ कंपनी थ्रू इट्स ऑफिसर एंड नॉट थ्रू इट्स डॉक्यूमेंट. जो कंपनी है वो कंपनी के लोग जो उसमें काम करते हैं उसके थ्रू उनको जानते हैं, कंपनी के डॉक्यूमेंट्स के थ्रू कोई भी व्यक्ति कंपनी को नहीं जान सकता. सो सेक्शन 9 ऑफ द यूरोपियन कम्युनिटीज एक्ट 1972 हैज एब्रोगेटेड दिस डॉक्ट्रिन. दीज प्रोविजन आर नाउ इनकॉर्पोरेटेड इन 35 ऑफ इंग्लिश कंपनीज एक्ट 1985. और इसकी पोजीशन इंडिया में क्या है, द कोर्ट इन इंडिया डू नॉट सीम टू हैव टेकन द डॉक्ट्रिन सीरियसली. फॉर एग्जाम्पल द कलकत्ता हाई कोर्ट इन Charnock Collieries Company Limited versus Bolinath enforced a security which was not signed in accordance with the company's article. So एक्चुअली में इंडिया में भी इस डॉक्ट्रिन कंस्ट्रक्टिव नोटिस के जो डॉक्ट्रिन है उसको अच्छी तरह से मतलब कि हम ये कह सकते हैं फॉलो नहीं किया जाता। इसमें भी जो एक कोर्ट में केस हुआ था उसमें भी कंपनी ने कोर्ट ने ये बोल दिया था कि एक जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कोई भी एक नोटिस लिखा गया था कि इसके द्वारा साइन होना चाहिए और कंपनी ने बाद में उसके खिलाफ केस दायर किया कि ये तो प्रॉपर्ली साइन नहीं है, फिर भी कोर्ट ने इजाजत दी थी कि आपको ये काम जो है वो करना पड़ेगा, चाहे उसने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पढ़ा या फिर नहीं पढ़ा। ऑल्सो इन देहरादून मंसूरी इलेक्ट्रिक ट्रैमवे कंपनी वर्सेस जगमंदर, the Allahabad High Court allowed an overdraft incurred by the managing agent of a company when under the article the director had no power to delegate their borrowing powers. तो यहाँ पर भी कंपनी को एक मैनेजिंग डायरेक्टर के ऊपर बोरिंग पावर्स के खिलाफ केस दायर किया तो कंपनी ने बोला कि हमारे पास तो ये तो पावर्स ही नहीं है, हम किसी भी मैनेजिंग डायरेक्टर को या मैनेजिंग एजेंट को ये पावर नहीं देते कि वो कंपनी के लिए कोई भी ओवरड्राफ्ट इशू कर सके। तो फिर केस जो है वो कोर्ट में जाता है तो केस जो कोर्ट है वो उस व्यक्ति के फेवर में ही अपना फैसला सुनाती है कि कंपनी जो है चाहे ये आर्टिकल में लिखा है चाहे नहीं लिखा कि वो अपने बोरिंग पावर्स को डेलीगेट कर सकती है, लेकिन क्योंकि उसने विश्वास में ये काम किया था और हम कंपनी लोग जो है वो कंपनी को उसके डॉक्यूमेंट से नहीं बल्कि उसके लोगों से जानते हैं, इसलिए उसको ये लोन जो है वो चुकाना पड़ेगा। सो कंक्लूजन क्या निकला, दस द डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस सीक टू प्रोटेक्ट द कंपनी अगेंस्ट द आउटसाइडर बाय डीमिंग दैट सच एन आउटसाइडर हैड द नोटिस ऑफ द पब्लिक डॉक्यूमेंट ऑफ द company. However, in India, the courts, with the view to protect the innocent third party acting in good faith, have not relied upon the doctrine seriously. तो यहाँ पर एक्चुअली में इसका कंक्लूजन क्या निकला कि हमने ये मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्यों बनाए हैं, ये इसलिए बनाए हैं, इसको कंस्ट्रक्टिव नोटिस का नाम हमने इसलिए दिया है ताकि कंपनी के साथ कोई फ्रॉड ना कर सके, कंपनी सेफ रह सके, कोई व्यक्ति ये ना कहे कि हम आपने हमें कंपनी के बारे में अच्छे से नहीं बताया था। दूसरी साइड पर कंपनी लॉ है वो भी क्या कहता है कि हम थर्ड पार्टी को, जो भी इनोसेंट थर्ड पार्टी है जिन्होंने गुड फेथ में कंपनी के साथ डील करने की कोशिश करी, तो कंपनी अपनी लाइबिलिटी से ना बच सके सिर्फ इस बहाने कि मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इसने नहीं पढ़ा था। तो लॉ का बेसिक फंडा क्या है, दैट दे वांट टू प्रोटेक्ट बोथ द कंपनी एज वेल एज टू द third party from any kind of illegal act. So that is the point behind this constructive notice. So this is all about the constructive notice, that whether the article of association or a memorandum of association is a constructive notice. So we can say yes, it is a constructive notice, but where the right of the third party, innocent third party who have done the business in a good faith, cannot in that cases, if the company want to cheat the third party on the behalf of this constructive notice, there the court can ignore this as a constructive notice. So this is all about the same. Next is explain the doctrine of indoor management. Now, what is indoor management, or explain the rule laid down in Royal British Bank versus Turquand. So this is a very, very important question. Mostly the students get this question in a paper. So the doctrine of indoor management is an exception to the rule of constructive notice. अभी हमने क्या बोला कि जो ये constructive notice है ये क्या करता है, ये एक कंपनी को फ्रॉड होने से बचाता है ताकि लोग आके ये ना कहें कि हमने तो जी ये पढ़ा नहीं था तो हमें इस चीज़ के बारे में नहीं पता था, आपको ये काम जो है वो करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर ये जो रूल बनाया गया है इंडोर मैनेजमेंट का, यहाँ पर वो किसको बचा रहे हैं, वो आउटसाइडर्स को बचा रहे हैं। तो ऊपर जो भी हमने डॉक्ट्रिन पढ़ी ये किसको बचा रही थी, ये कंपनी को बचा रही थी, और ये किसको बचा रही है, ये आउटसाइडर्स को बचा रही है। सो इसलिए ये इसका क्या बन गया, एक्सेप्शन बन गया। इट इम्पोजेस एन इम्पॉर्टेंट limitation on the doctrine of constructive notice. According to this doctrine, a person dealing with a company is bound to read only the public document. He will not affected by any irregularity in the internal management of the company. तो यहाँ पर ये डॉक्ट्रीन क्या कहती है, ये रूल क्या कहता है कि एक व्यक्ति, हम मान लेते हैं कि लॉ ने कहा कि एक व्यक्ति को कंपनी से डील करने से पहले क्या करना चाहिए, इन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर कंपनी के अंदर कोई इरेगुलरिटी हो रही है जो कंपनी ने करनी थी तो उसके बारे में आउटसाइडर नहीं जान सकता। वो क्या मान के चलेगा, प्रिज्यूम्ड करके चलेगा कि वो कंपनी ने अपने इंटरनल मैटर्स जो है वो सॉर्ट आउट कर लिए होंगे। तो वहां पर कंपनी ये प्ली लेकर अपने आप को नहीं बचा सकती कि आपने जो डॉक्यूमेंट अच्छे से नहीं पढ़ा। तो यहाँ पर आउटसाइडर्स जो है वो फैसला किसके हक में होगा, आउटसाइडर्स के हक में होगा। द रोल ऑफ इंडोर मैनेजमेंट हैज इट्स we can say birth in the case of Royal British Bank versus Turquand. The director of the company borrowed a sum of money from the plaintiff. तो इसमें क्या है, जो कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं वो Turquand से क्या करते हैं, कुछ पैसा उधार पर लेते हैं। The company's article provide that the director might borrow on bonds such sum as may from time to time be authorized by a resolution passed at a journal meeting. तो यहाँ पर कंपनी का आर्टिकल क्या कहता है कि कोई भी डायरेक्टर जो है वो तभी डिबेंचर्स इश्यू कर सकता है अगर उसने जर्नल मीटिंग में एक रेजोल्यूशन पास करके अपनी अथॉरिटी जो है उसमें सेंशंस करवाए हो, यानी उसने परमिशन ली हो जर्नल मीटिंग में बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन। तो डायरेक्टर जो है वो रेजोल्यूशन पास नहीं करते और वो कंपनी को जो डिबेंचर्स हैं वो इशू कर देते हैं। थोड़ी देर के बाद वो क्या कहता है कि मेरे पैसे वापस कर दो, तो वो कंपनी जो है वो पैसे देने से मना कर देती है ऑन द ग्राउंड दैट वो कंपनी क्या प्ली देती है कि हमारे आर्टिकल में लिखा हुआ है कि डायरेक्टर को जर्नल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा तभी वो डिबेंचर्स इशू कर सकती है। बट कंपनी ने कोई भी डिबेंचर्स के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं किया, इसलिए ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बट Turquand क्या कहता है कि मैंने वो आर्टिकल पढ़ा, मैंने वो मान लिया था कि उसने रेजोल्यूशन जो है वो पास किया। अब आप लोगों ने वो रेजोल्यूशन पास किया या नहीं किया, दिस इज योर इंटरनल प्रॉब्लम। मैं कैसे देखूं कि डायरेक्टर जब इशू कर रहे हैं तो मैं ये प्रिज्यूम ही करूंगा ना कि आपके उसमें लिखा हुआ है, तो मैंने मान लिया कि आपने वो जर्नल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास किया होगा। तो मुझे थोड़ी पता है कि अब मैं कैसे अंदर आके पूछूं आप लोगों से कि क्या उसने ये करा था या नहीं करा। So this is your internal matter. So I can only presume. The shareholder claim that there were no such resolution authorizing the loan and therefore it cannot be taken without their authority. The company was, however, held bound for the loan. अब कंपनी जो है उस कोर्ट क्या कहती है कि कंपनी को ये लोन जो है वो पे आउट करना पड़ेगा। Once it was found that the director could borrow subject to a resolution, the plaintiff have a right to assume that the necessary resolution have been पास। अब कोर्ट क्या कहती है कि मान लिया कि आपने आर्टिकल में लिखा हुआ है कि आपको रेजोल्यूशन जो है वो पास करना पड़ेगा, तो बाहर की पार्टी तो यही प्रिज्यूम करेगी ना दैट इफ यू आर इशूइंग अ डिबेंचर तो ऑलरेडी वो रेजोल्यूशन क्या होगा, पास होगा। ये आपके डायरेक्टर्स की गलती है, उसकी गलती नहीं है। The rule is based on public convenience and justice for the following obvious reason. तो इसी से ये रूल बना है कि आउटसाइडर का पढ़ना उसका राइट है, उसको पढ़ना चाहिए, ये उसकी जिम्मेवारी है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने उसमें लिखे हुए रूल्स को फॉलो नहीं करा तो वो कंपनी की प्रॉब्लम है, आउटसाइडर्स की प्रॉब्लम नहीं है। द इंटरनल प्रोसीजर इज नॉट अ मैटर ऑफ पब्लिक नॉलेज। कंपनी के जो इंटरनल प्रोसीजर हैं वो पब्लिक का मैटर नहीं है। एन आउटसाइडर इज प्रिज्यूम्ड टू नो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी बट नॉट व्हाट मे और व्हाट मे नॉट हैव टेकन प्लेस विद द डोर दैट आर क्लोज टू हिम। तो वो कैसे जानेगी, ही कैन नॉट पीप इनटू द डोर। तो उसको कैसे पता लगेगा कि उन्होंने लिखा था जी हमने स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है, तो क्या उसने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया या नहीं किया। द load of creditor of a limited company is not a particular happy one. It would be unhappier still if the company could escape liability by denying the authority of officials to act on its behalf. So this is the whole we can say doctrine of indoor management. The role of doctrine is applied to protect person contracted with the companies from all kind of internal irregularities. Basically ये रेगुलर जो हमने डॉक्ट्रीन बनाई है ये हमने किस बिहाफ पर बनाई है कि हम जो आउटसाइडर्स हैं उनको इंटरनल इरेगुलरिटीज की वजह से होने वाली परेशानी से कोर्ट जो है वो उनको बचा सके। It has been applied to cover the act of the directors who have not been appointed but have only assumed office at the acquiescence of the shareholder or whose appointment is defective or have a exercise authority which could have been delegated to them under the act but actually not delegated or who have acted without quorum. तो यहाँ पर basically outsiders को कंपनीज की इरेगुलरिटी से बचाने के लिए ही ये रूल जो है वो डेवलप किया गया है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कोई व्यक्ति प्रेजेंट नहीं है, एक डायरेक्टर हमने अपॉइंट कर दिया फॉर द टाइम बीइंग, उसको कोई काम नहीं करना आ रहा था या कंपनी ने कुछ अपनी पावर्स जो है वो थोड़ी देर के लिए ही डेलीगेट करी, उसमें कोई गलती हो गई, तो ये कंपनी की गलती है, वो आउटसाइडर की गलती नहीं है. सो दिस इज ऑल अबाउट द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट. नाउ हमने क्या बोला कि एक आउटसाइडर्स जो है उसको हम क्या कर सकते हैं, अगर कंपनी की इंटरनल इरेगुलरिटीज है तो उसके लिए उसको जिम्मेवार नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन कुछ केस में कंपनी जो आउटसाइडर है वो ये प्ले नहीं ले सकता कि ये कंपनी की इरेगुलरिटीज थी, इसके लिए कंपनी जो है वो बाध्य है. तो उसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं. तो व्हाट आर द एक्सेप्शन? नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी. तो फर्स्ट है अ पर्सन हु हैज एक्चुअल नॉलेज ऑफ इंटरनल इरेगुलरिटी कैन नॉट क्लेम द प्रोटेक्शन ऑफ दिस रूल. तो अगर किसी व्यक्ति को पहले से ही पता है कि कंपनी के अंदर किसी तरह की कोई गड़बड़ चल रही है, कंपनी ने ये काम करना था लेकिन उसने नहीं किया, फिर भी वो कंपनी के साथ डील करता है, तो अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए वो इस रूल का फायदा नहीं उठा सकता. अ पर्सन हु हिमसेल्फ इज अ पार्टी ऑफ द इनसाइड प्रोसीजर सच एज डायरेक्टर इज डीम्ड टू नो द इरेगुलरिटीज. तो एक व्यक्ति जो ऑलरेडी कंपनी का मेंबर है और उसको पता है कि कंपनी के अंदर कोई इरेगुलरिटी है, तब भी वो कंपनी के साथ डील करता है, तो उस केस में वो इस रूल का सहारा लेकर अपने आप को बचा नहीं सकता. सो टीआर पार्ट लिमिटेड वर्सेस वीईडी सेसोन एंड कंपनी लिमिटेड. कंपनी ए lent money to company B on a mortgage of its asset. The procedure laid down in the article for such transaction was not complied with. The director of the two companies were the same. तो अब क्या हुआ कि कंपनी ए जो है वो कंपनी बी को किसी तरह से लोन देना चाहती है एसेट्स के लिए. अब दोनों कंपनीज का डायरेक्टर जो है वो एक है, तो इसका मतलब उसको पता था कि कंपनी के बी जो है उसने अपने काम जो है वो पूरे से नहीं किए, फिर भी वो लोन दे देता है और कंपनी बी जो है वो बाद में क्या करती है, केस दायर कर देती है. तो यहाँ पर क्या था, जो डायरेक्टर था उसको ऑलरेडी पता था कि किसी भी तरह का जो ट्रांजैक्शंस है वो सही नहीं हुई है, तब भी उसने कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, तो यहाँ पर उसको इंडोर मैनेजमेंट का बेनिफिट जो है वो नहीं मिलेगा. नेग्लिजेंस एंड सस्पिशियस ऑफ इरेगुलरिटी. जहां पर एक व्यक्ति को डाउट हो किसी भी काम के लिए और उसके पास सफिशिएंट टाइम हो कि वो उसको चेक कर सकता है, लेकिन बावजूद इसके वो टाइम का फायदा नहीं उठाता, वो अपनी उसको जो डाउट्स है उसको वो चेक नहीं करता, फिर भी वो कंपनी के साथ अगर केस डील कर लेता है तो उस केस में भी वो अपने आप को इंडोर मैनेजमेंट का बहाना देकर बचा नहीं सकता. सो वेयर अ कंपनी डीलिंग विद company could discover the irregularity if he had proper inquiries, he cannot claim the benefit of the rule of indoor management. The protection of this rule is not available where the circumstances surrounding the contract are so suspicious as to invite inquiry. जहां पर आपको पहले से ही डाउट है, आपको लगता है कि मुझे इंक्वायरी कर लेनी चाहिए डील करने से पहले, बट आप नहीं करते हो, तो वहां पर आप इंडोर मैनेजमेंट का बेनिफिट नहीं ले सकते. फॉर्जरी. फॉर्जरी होता है झूठे साइन करने, कोई भी आपने फ्रॉड किया हो तो उस केस में तो बिल्कुल भी आप इंडोर मैनेजमेंट का सहारा नहीं ले सकते. लाइक अगर आपको लग रहा है कि जो साइन है वो नकली है, जो डॉक्यूमेंट है वो नकली है, तो उस केस में भी इंडोर मैनेजमेंट किसी भी तरह की कोई भी हेल्प नहीं करती. रिप्रेजेंटेशन थ्रू आर्टिकल. अ पर्सन हु डज नॉट हैव एक्चुअल नॉलेज ऑफ द कंपनीज आर्टिकल कैन नॉट क्लेम एज अगेंस्ट द कंपनी दैट ही वाज एंटाइटल्ड टू अज्यूम दैट द पावर व्हिच कुड हैव बीन डेलीगेटेड टू डायरेक्टर वाज इन फैक्ट सो डेलीगेटेड. तो अब एक व्यक्ति ने, हमने ऊपर क्या बोला कि आपको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है वो पढ़ के रखना चाहिए, आपकी नॉलेज में होना चाहिए कि कंपनी के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, और आपने वो पढ़ा ही नहीं है और आप बाद में क्या कह रहे हो कि मैंने तो वो पढ़ा था, मुझे लगा कि ऐसा लिखा ही होगा, तो आप इसका बहाना, यानी अगर आपने वो दोनों नहीं पढ़े तब भी आप, यानी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं करा, तब भी आप इंडोर मैनेजमेंट का बेनिफिट लेके अपने आप को नहीं बचा सकते. So these are the certain, we can say, exceptions to the rule of indoor management. Students, it is very important कि आप इस टॉपिक को बिल्कुल भी छोड़ के ना जाएं, क्योंकि ये हर हाल में क्वेश्चन जो है वो आपको मिलता ही मिलता है. तो अभी तक जो हमने डिस्कस किया, तो हमें क्या पता लगा कि इंडोर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है वो दोनों ही पब्लिक डॉक्यूमेंट है. कोई भी व्यक्ति अगर कंपनी के साथ डील करता है, सबसे पहले उनको ये पढ़ना चाहिए, लेकिन कोई भी इनको पढ़ के और अगर कंपनी इनके साथ चीट करना चाहती है तो वो कंपनी जो लॉ है उससे स्पेशल प्रोविजंस भी प्रोवाइड करी हुई है. अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बेसिक डिफरेंस क्या है. तो सबसे पहले दिस इज द चार्टर ऑफ द कंपनी, और वी कैन से जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो क्या है, वो इसका एक तरह से हम कह सकते हैं कि छोटा भाई है. ये मेन हेड है और ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है वो उसका छोटा भाई है जो कि इसको फॉलो करता है. तो आर्टिकल मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है ये कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को बताता है, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है वो ऐसी पॉलिसीज, ऐसे प्रोग्राम्स, ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में है जो हमें ये इसमें बताए हुए ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हेल्पफुल होते हैं. तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है इसका स्कोप जो है वो क्या है, वो ज्यादा वाइडर है एज कंपेयर टू आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. तो इसका स्कोप जो है वो इंटरनल मैनेजमेंट तक ही सीमित है, लेकिन इसका स्कोप जो है वो पब्लिक मैनेजमेंट तक ही भी सीमित है. सो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के जो कंटेंट है वो उसमें हमारे पास क्या आता है, नेम क्लॉज आता है, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज आता है, इसके अलावा हमारे पास इसमें ऑफिस क्लॉज आता है, लाइबिलिटी क्लॉज आता है, कैपिटल क्लॉज आता है, लेकिन इसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं दैट आर बिटवीन द कंपनी एंड द मेंबर, कि जो भी हम कंपनी और मेंबर में अगर फ्यूचर में किसी भी तरह की कोई भी लड़ाई हो जाती है तो उसके अंदर हम किस तरह से सॉर्ट आउट करेंगे, हम उस फैसलों को कैसे ठीक करेंगे, तो वो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो इसमें लिखे जाते हैं. तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज अ सुप्रीम डॉक्यूमेंट whereas article of association is a subordinate document. ये supreme document होता है और ये subordinate document होता है. कोई भी काम जो memorandum of association के अंदर है लेकिन article of association के अंदर नहीं है, तो उसको हम article of association को correct करके हम उस काम को क्या कर सकते हैं, correct कर सकते हैं. लेकिन कोई भी काम अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में नहीं मेंशन, तो वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को करेक्ट करके हम नहीं कर सकते. सो ये आपको बात में ध्यान में रखनी है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज अ सबऑर्डिनेट डॉक्यूमेंट फॉर द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. तो अगर कोई काम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में नहीं लिखा तो आप उसको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के थ्रू करेक्ट नहीं कर सकते. इसी तरह से अगर कोई भी काम जो है वो कंपनी लॉ में नहीं लिखा हुआ तो आप उसको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को अल्टर करके सही नहीं कर सकते. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. सो दिस इज ऑल अबाउट दीज टू चैप्टर्स. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए. आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कंप्लीट योर डाउट्स और सॉल्व योर डाउट्स. एंड फॉर टुडे, थैंक यू. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट विद द प्रॉस्पेक्टस. थैंक यू.